किचन थी, किचन एक किचन है, रसोई घर दिख रहा है, एक किचन इसी में रहते थे गांधी जी। अरे वाह। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आप सबको हम एक नया वीडियो लाए हैं आपके लिए। दिख कितना आपको एक अलग चीज़ दिखाने वाले हैं, गांधी जी का घर। सब लोग को लगता है गांधी जी कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे। और आप सबको, आपको अगर आप सबको नहीं पता है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नदी के किनारे उनका घर है और नदी का नाम है साबरमती। यही साबरमती नदी है और यहीं पे उनका जो भी वहाँ कर खाना बनाते थे, रसोई घर, जहाँ वो चरखा काटते थे, यहाँ पे सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और आगे आपको दिखाएंगे। पहले ये नदी का आनंद ले लीजिए, कितना सुंदर लग रहा है साबरमती नदी। ये तो दिन में ऐसा लग रहा है, रात में देखती तो और अच्छा लगता। तो चलिए आगे मिलते हैं, तब तक के लिए। किचन थी, किचन एक किचन है, रसोई घर दिख रहा है, एक किचन इसी में रहते थे गांधी जी। अरे वाह। वाह, गांधी जी इतना बड़ा घर में रहते थे। ये कस्तूरबा गांधी, इधर इधर ऊपर ऊपर का फोटो लो, ऊपर ये है कस्तूरबा गांधी। वो बोल लीजिएगा, ठीक है। चलिए भाई, ये देखिए, ऐसे अभी ऊपर में तो खत्म हुआ था ना, हाँ, उसी का ऊपर में आर्टिफिशियल कर दिया। हाँ हाँ, आर्टिफिशियल कर नीचे से मेहमानों का कमरा, गेस्ट हाउस का कमरा। गेस्ट हाउस में इतना, यानी जो भी वार्षिक किया कर सकते हैं। शाम को बैठते थे, चाय पीते थे यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, गांधी जी का घर का है आंगन, रसोई घर। हाँ, ये दिखाते हैं, ये बर्तन है पानी पीने का है, गांधी जी के भेंट में मिला चरखा। वो ऐसे पानी पीते थे? नहीं नहीं नहीं, ये तो आर्टिफिशियल है, ये कोई लग लिया। अच्छा, हम सोचे इसे पंखा हवा भी खाते थे। गांधी जी का कमरा, ये देखिए। गांधी जी यहीं बैठ के चरखा काटते थे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इधर इधर, अच्छा है, गुजराती और हिंदी इंग्लिश सब लिखा हुआ है यहाँ से लिखा करते थे। अच्छा, गांधी जी ऐसे ही रहते थे। ये तो पूरा देखिए, यहाँ पे क्या है, परिविच्छा ये सब क्या है। अच्छा, यहाँ पे काम चलता था ये सब। राइटिंग कितना अच्छा है लिखा हुआ। इधर भी है, मेरे तीनों लैंग्वेज में चरखा।
वाला चरखा गांधी जी बैठ के चलाते थे। पे क्या है हृदय कुंज, ये उपासना मंदिर, यहाँ पे क्या दिखा रहा है? ये भी कितना सुंदर बनाया है। ये तो लग रहा है सच में घरे हैं। यहाँ का भी ऊपर कितना अच्छा बनाया है। ये भी पहले बिना दादा के था गांधी जी। लाइट बंद कर दिए। देखिए ऐसे बनाते हैं गांधी जी के तीन बंदर। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसमें समझ में अच्छा से नहीं आया है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, हम जाके ये आपके लिए एक बार और फिर से पूरा विस्तार